अली हस्बैंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, कल मैंने अली की दवा लेकर आई थी लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो अभी फिर से लेके जा रही है इसको डॉक्टर के पास। अली भाग मत, अली लगेगा अली भागो मत, लग जाएगा। मोहम्मद को देख के इसकी तबीयत ठीक हो गई है। मोहम्मद तुम्हारे साथ, तुम्हारे को देख के देखो भाई की तबीयत ठीक हो गई। सर दर्द है ना, जा रहे डॉक्टर के पास जा रहे। सब बताना बेटा क्या क्या हो रहा है तुम्हारे को, ठीक है, याद से। तो आज फिर ले जा रहे हैं अली को डॉक्टर के पास, अभी हम लोग पहुँच रहे डॉक्टर के पास। दी आ जाएगा नंबर बेटा, ठीक है बेटा। अभी पीछे वायरल फीवर चालू हो गया है ना, चलो दवा ले ली मम्मा ने। कुछ खाने का तुमको, बिस्किट विस्किट कुछ खाने का? मां खाली अब ये चीज खा सकता हूँ, वो भी बिस्किट खा लो। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी बोल के पियो। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पियो। कड़वी है, अभी डॉक्टर की दवा है ना वो फिर पीना, ये तो एंटीबायोटिक है। ले पी, थोड़ा सा बचा है इसके अंदर। मैं अच्छी है। हाँ पी। एक मिनट बताओ, बुखार है क्या? बहुत बुखार है अली, तू कुछ खा लेना बेटा, थोड़ा दवा पिला दो इधर। आज तबीयत खुद कैसी ठीक होगी, दवा नहीं पिएगा तो उठ जा। नींद आ रही है। हाँ तो दवा, बुखार की वजह से नींद आती है। आजा आ, थोड़ा कुछ खा ले। चल बिस्किट लेकर आई ना कल रात को, बिस्किट खाता? नहीं। चाय बिस्किट दो? नहीं। इंजेक्शन का ट्रीटमेंट, फेस कंट्रोल का। नीचे की साइड पे मारना, नीचे, इधर नीचे, इधर यहाँ नीचे। दुआ कीजिए कि अली की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। एग्ज़ाम से ही उसको थोड़ा थोड़ा तबीयत डाउन थी, गले में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी बढ़ गई है तकलीफ। तो दो दिन से बीमार है वो और उठ भी नहीं रहा। अभी देखती हूँ, मैं बच्चे लोग को बुलाती हूँ, बच्चे लोग को देख के वो खेलता है थोड़ा, तो थोड़ा खेलेगा तो खाना थोड़ा कुछ खा पाएगा, क्योंकि दवा भी अभी तक खाया नहीं सुबह से। कॉफ़ी लाऊँ? कॉफ़ी पीता मेरा बच्चा? हाँ हाँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। पंखा बंद करूं? नहीं। हाँ चालू रखो। तू का अभी जाग, तो अभी ड्रॉप में कॉफी लेके आती तेरे लिए। चल लाइट बंद कर दो खाली। गया नहीं था अली स्कूल, अभी आज भी नहीं गया स्कूल, अब कल भी पता नहीं जाता कि नहीं जाता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एटलीस्ट 4 से 5 दिन लगेगा इसका फीवर उतरने के लिए, क्योंकि वायरल फीवर है। तो अब ऐसे में स्कूल भेज भी नहीं सकती, नहीं तो दूसरे बच्चे बीमार होंगे। तो अभी जाके स्कूल में बात भी करना पड़ेगा अली की। आयु को उठाएंगे? हाँ मम्मद, चलो हाथ पकड़ो, इधर देखो, सुनो मम्मद, आयु ने कुछ खाया नहीं है, आयु को उठाएंगे। हाँ चलो उठाओ, आयु को उठाओ, आयु को उठाओ जल्दी से। मम्मद उठा रहे हैं। आयु ये देख, मम्मद आया अली तेरे लिए। कौन आया? बोलो आयु, बोलो भाई को, बोलो नाश्ता करने उठो, बोलो नाश्ता करो, चलो दवा पियो। तो बोलो अप अप खाओ। चल उठ गया, उठ जा अली, आयु के साथ खेल, मैं देखती हूँ कौन है, तू आयु भाई के साथ खेल जा। दे मेरा बच्चा उठा ना, मेरे को मालूम था, देखो मम्मद को बुलाऊंगी तो तू उठेगा, इतना प्यार करता है मम्मद से। हाँ बैठो बैठो बैठो, इधर आयु के पास बैठो, मैं जाके देखती हूँ कौन है। मेरे को मालूम था मम्मद आएगा तो तू उठेगा। गाइस देखे मेरे ट्रिक, मैंने, मेरे को मालूम है कि अली बच्चे लोग से खेलता है और उठता है, तो इसलिए मैंने मम्मद को बुलाई थी। आज मम्मद उठा और अभी वो उठ गया। तो जल्दी जल्दी तुम्हारा अभी रोटी बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं पहले अली के लिए कॉफ़ी बना के उसको बिस्किट के साथ दे देती हूँ, क्योंकि रोटी अभी नहीं खिलाऊंगी, इसको हार्ड है ना, तो थोड़ा कॉफ़ी और बिस्किट देती हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल होगी, फिर दवा पिलाऊंगी। अभी थोड़ा खेलेगा तो माइंड डाइवर्ट होगा, बच्चे लोग का यही चीज़ होता है कि बच्चों को बच्चे के साथ छोड़ दो ना, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके खेलते तो थोड़ा तबीयत थोड़ी ठीक होती है। उन लोग की भाई के साथ खेलो, वेरी गुड। और गाड़ी चाहिए तुम लोग को? और गाड़ी चाहिए? मैं देती हूँ, थोड़ा पीछे तरह के बैठ अली। हाँ और लेके आती हूँ, मम्मद तुम्हारे साथ खेलेगा भाई। मम्मद की भी तबीयत खराब है ना, मम्मद को भी सर्दी हो गई है, बुखार हो गई ना। खेलो, मैं और गाड़ी देती हूँ लाके। खेलो। हाँ सोली की कॉफ़ी आ गई है और मैं भी आज कॉफ़ी पी रही हूँ मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा जो खाएगा मम्मा भी वही खाएंगी, समझे? हाँ अरे मम्मा, अच्छा वो इंग्लिश आती है, अगर इंग्लिश नहीं आती ना
तो वो समझता नहीं था, बोलता मैं चल अभी जल्दी ली कॉफी खा लो फिर दवा पिलाती हूँ, ठीक है? देखो ये दोनों आ गए बाहर। अभी दवा पिएगा बेटा? नाश्ता हो गया ना, अभी दवा पिएगा? नहीं। दवा एंटीबायोटिक तो पिला दी, अभी डॉक्टर की दवा पी लेगा। लो बहुत हट्टी होती है। आ गया ना बेटा, हट्टी होती है। दवा पिएगा नहीं तो तबीयत कैसी ठीक होगी? बैठ पकड़ो, हाथ में पकड़ो, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में। अल्लाह काफी, अल्लाह काफी। हाँ पियो, सीधा पी जल्दी। पानी 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 इधर। ये कपड़ा क्यों पहना? देखो मैंने दी थी ना टी शर्ट, निकाल बता कितना अच्छा टी शर्ट है पहना वो। हाँ नहीं उठाओ टी शर्ट, ये टी शर्ट उतार। नहीं तू तू पहनेगा नहीं तो मैं तो मजलिस में नहीं लेके जाऊंगी। फिर मैं चले जाऊंगा अपने आप। कैसे जाएगा? चलते हुए जाएगा। हाँ। तबीयत खराब है ना बेटा, फुल अस्तीन का पहनेगा तो बुखार चढ़ेगी। अरे मम्मी वैसे भी मालूम उठाने वाला हूँ। हाँ तो क्या हुआ? फुल अस्तीन का पहनेगा तो बुखार नहीं लगेंगे ना बेटा। हाँ नहीं मेरे को नहीं पहनना। नहीं लेके जाऊंगी यार फिर बेटा। तुम मम्मी की बात सुनते हो ना, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुमको बुखार चढ़ जाएगी। चलो टी शर्ट उठाओ। नहीं अच्छा पता नहीं। टी शर्ट उठाओ, चलो जल्दी उठाओ। नहीं देख कितना अच्छा लग रहा है मम्मा ने पहनाई टी शर्ट। देख बुखार है तेरे को इसलिए फुल अस्तीन पहना रहे। पीछे पड़ा है लड़का। चलो चलो चलो, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मजलिस के लिए। तो गाइस आप लोग दुआ करो कि अली की तबीयत ठीक हो जाए। और बहुत चल रहा है ये वायरल फीवर गाइस। मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो बहुत सारे बच्चे थे, एक बच्चे को तो ग्लूकोज भी लगा हुआ था। तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखो, सब जगह वायरल फीवर, और ख़ास करके बच्चे ज़्यादा बीमार हुए। जोहान को भी वायरल फीवर हुआ था, फिर उसके बाद अली को हुआ, हमारे बाजू में जो मोहम्मद है उसको भी वायरल फीवर है। तो ऐसा करके कि जब बच्चों को लग रहा है वायरल फीवर, तो अगर आप लोग की बच्चों आपके बच्चों की तबीयत अगर ख़राब है तो स्कूल मत भेजो, ताकि उससे दूसरे बच्चे बीमार होंगे। तो अभी अली को भी मैंने इसलिए स्कूल नहीं भेजी कि उसकी वजह से कोई दूसरा बच्चा बीमार नहीं हो। अभी कल का देखते हैं, कल का टीचर ने बोली आने के लिए, तो देखते हैं। अगर इसकी रात को तबीयत ठीक रही तो मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर स्कूल भेजूंगी इसको, क्योंकि डॉक्टर बोला हुआ है। इस वजह से 4-5 दिन तो इसको घर में ही रखना पड़ेगा। लेकिन अभी घर में बैठे बैठे भी वो बच्चे तबीयत ख़राब होते, तो आप लोग को मालूम है कि बच्चे कैसे किरकिर करते हैं। तो बोले मम्मी चलो चलो चलो, और आज मजलिस भी है, तो चलो उसको मजलिस में भी लेके जाती हूँ, और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी बाहर निकलेगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। हम आपको दुआ में याद रखेंगे, आप भी हमें दुआ में याद रखना ज़रूर। चलिए अल्लाह हाफिज़।